thank <laughs> you

एग बना लिया है और एग के साथ टी टी के बगैर मुझे ब्रेकफास्ट गर्मियाँ हों सर्दियाँ होन टी सैस दीना वो तो बिल्कुल ज़रूरी होती है ना अच्छा जी चलो जी बच्चों का भी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लिया फिर ना क्योंकि अभी छुट्टियाँ थी थोड़े दिन बच्चों को रही थी तो मैंने ना थोड़ी सी उसको प्लानिंग की क्योंकि एक्टिविटी उसके लिए थोड़ी सी प्लान की तो वो थोड़ी सी एक्टिविटी फास्ट फास्ट मैंने आपको ट्रेल, ट्रेलर दिखाया है कि इस तरह की फिर उसके बाद ना आज मेरा दिल कर रहा था कोई मजेदार सी चीज खाने को तो आज हम बनाते हैं टिक्का बिरयानी ठीक है सारे मिलके टिक्का बिरयानी बनाते हैं ओके जी मैंने ना सिंपल पानी रख दिया है बॉयल करने के लिए जिसमें मैंने थ्री फोर करी पत्ता ऐड कर दिया है जीरा पाउडर ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको दाल चीनी सॉरी दाल चीनी इसमें थोड़ी सी ऐड करके ना बॉयल करने के लिए रख दे इससे कलर भी बड़ा इन्हैंस हो जाएगा और बड़ा मजे था राइस में आ जाएगा और हर चीज़ का ना फ्लेवर बड़ा ही आ जाएगा थोड़ा सा आयल क्योंकि आयल से ना निखर जाते हैं अच्छा जी प्याज भी कटोग साढ़ा और लहसन भी कटोग ही साथ ना वो जो राइस थे ना वो भी मैंने बॉयल करने के लिए ना ऊपर राइस को पानी को बबल आ गया था कलर इज़ सो ब्यूटीफुल अः तो जी ओ कलर निकल आया जी राइस का ना थोड़ा सा तो इसको मैंने स्लो तो फ्लेम में रख दिया है उसको के वो बाहर ना बाहर ना निकले ना तो इसके साथ साथ ये तड़का जो है वो उसका बनाने लगे हम बिरयानी का आज तड़का बनाएंगे साथ साथ मैं कटिंग कर रही हूँ साथ साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाउ आई कुक बिरयानी विद टिक्का टिक्का बिरयानी हर मतलब हर जो औरत होती है उसको कुकिंग तो आती है क्योंकि इज नेसेसरी फॉर अ वमेन कि वो कुकिंग मतलब उसको आनी चाहिए कुकिंग ना तो ये है कि टाइम के साथ साथ ना फिर बंदा थोड़ा सा वो इम्प्रूव भी होती जाती है और बंदा बहुत सारी चीज़ें सीखता है तो बिरयानी तो हर कोई बनाता है क्योंकि पंजाबियाँ तो बिरयानी ना आती हो जिन्हों मतलब वो बिरयानी ना बनाता हो तो कोई नहीं तो हर कोई बनाता है हर इंसान का ना एक डिफरेंस है अल्लाह ताला की तरफ से उसके हाथ में टेस्ट होता है तो जी वो आ, लेकिन यह की थोड़ी सी टेक्निक्स भी होती हैं ये है कि मेरे राइस हो गए और इसको ना मैंने एक दफ़ा ऊपर नीचे कर दिया कि इसका वाटर निकल आए क्योंकि ज्यादा मतलब अभी तो मैंने थोड़े इसको मतलब इतना ज़्यादा नहीं गाले लेकिन यह कि एक जो कनी रख के गाले हैं लेकिन यह कि फिर मैं थोड़ा सा कर देती हूँ कि ये खरे खरे ही रहें तो फिर और ज्यादा मज़ा आ जाएगा और साथ साथ ही ना सारे काम चले हैं मैंने ये चिकन को भी जो टिक्का चिकन था मेरा उसको मैरिनेट कर लिया नमक मिर्च सुरख मिर्च नमक टर्मी पाउडर सुरख मिर्च थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल के ना उसको अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लिया और इसको ना सोते करिए मतलब इसको अभी अच्छे से कुक करते हैं साथ ही साथ ना वो देखिए साइड पर जो मेरा मसाला है ना उसको मैं अच्छे से ना भून रही हूँ कि अच्छे से अच्छे से ये भुन जाए आया जी ये जो हो गए मेरे फ्राई ना ये देखें जी ये चिकन जो है वो मेरा टेंडर भी है और सॉफ्ट भी हो गया इसको निकाल लिया और वो फ्लेम मैंने बंद कर दिया अच्छा मेरे पता नहीं स्ट्रोव को क्या हो गया एक साइड पे इसका वो जो लैटर है मतलब एक साइड पे खुद ही ऑन हो जाता है उसके लिए ले, लेटर ठीक है और दूसरे में पता नहीं क्या हुआ जी वो चलता ही नहीं अब उसके लिए मुझे चलाना पड़ता है थोड़ी सी मतलब बोधरिंग लगती है इरिटेशन होती है अच्छा जी ये देखिए जी सदर टिक्के जो है ना वो फ्राई हो गए अच्छे से ना वो नहीं है नये चुबार साथ साथ ना टिक 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 एक साथ ही मैंने एक डेढ़ घंटे ना मतलब ये कंज्यूम कुछ चीज़ें कुछ कुकिंग जो होती है ना वो टाइम कंज्यूम होती है जितना मर्जी बंदा कोशिश करे कि अब मैंने जल्दी काम करना है जल्दी काम करना क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो टाइम लेके कुक करती हैं तो थोड़ा जो टाइम था ना वो तो रिक्वायर था अच्छी साथ ही साथ ना तड़का भी कुक हो रहा है और साथ ही साथ आयल को ना मैंने वैसे ही स्लो फ्लेम में रख दिया है क्योंकि अब मैं ना इसके साथ कट कर रही थी आ, तो वो मैं कट कर, करके कर ना फिर कर दूंगी ये दोनों ही स्लो फ्लेम में रहने देते हैं फिर इसको या किसी के साथ साथ ना शिफ्टिंग हो जाएगी और जो राइस जो थे वो भी बहुत ही मतलब अच्छे से उसका फ्लेवर जो है इनहेंस हो जाएगा उतनी देर में आ, मतलब वो भी साइड में थोड़े ठंडे हो जाएंगे साथ ही साथ चलो जी हूँ काम शुरू करिए ना बहुत टाइम में बहुत टाइम लग गया मुझे ना अच्छा सबसे पहले तो मैंने ना ये रिंग्स जो है इसको बॉइल किया फ्राई किया सॉरी अनियन्स के जो रिंग्स थे ना वो मैंने फ्राई कर लिए साथ ही साथ और साथ साथ मैं काम जो है बाकी काम ही मैनेज कर रही हूँ क्योंकि बच्चे भी उनको भी मैं देख के आ रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं कहीं तंग तो नहीं कर रहे और साथ ही साथ जी अब मैं के रूम से ना पोटैटोज लेके आई हूँ क्योंकि मैंने उधर रखे हुए थे और वो काम जो है वो साथ साथ चीज जा रहा है अच्छा जी इसको दोनों को फ्लेम में कुक करते हैं ये है कि फिर इसका कलर ना बहुत मजे का फ्लेवर भी आ जाता है अच्छा जी ये जो है इसको चेंज कर लिया मैंने मैंने अपनी फेवरेट जो जो है 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 ना वो स्पून वो स्पून निकाल लिया टिक 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 वही सर्च कर रही थी मिल नहीं रहा था बिलु की डर हेयर देयर एंड देन आई फाइंड शुक्र एटलीस्ट अच्छा आप इसको ना थोड़ा सा मैं इसके साथ मैश करूंगी और साथ ही साथ जो है इसमें चीजें जाएंगी अच्छा मैंने ना जो तड़का था उसमें नमक सूरज मिर्च हल्दी और बिरयानी मसाला ठीक है बिरयानी मसाला मैंने ज़रूर डाला है और इसमें ना मैं चिकन क्यूब्स भी थोड़ा सा डाल देती हूँ फ्लेवर इज़ ऑफ वेरी इनहेंस अच्छा अनियन्स हो गया अच्छा लेमन जो इमली का जो पल्प था ना वो भी मैंने करके तो वो भी म, शामिल कर दिया और मैंने वो जो मसाला है वो भी एक साइड पर ना अच्छे से वो टिक्का भी है वो भी शामिल कर लिया अब जो हमारा आयल है ना इसमें क्योंकि मैंने ना थोड़े से इसमें ना पोटैटोज़ भी फ्राई करने हैं क्योंकि मुझे पोटैटोज़ पसंद हैं और मेरे घर में सारे ही पोटैटोज़ को ना मैश करके खाते हैं आ, जब भी बिरयानी बने तो मैं ना पोटैटोज़ जरूर फ्राई करती हूँ तो उसको ना मैंने भरे से ये देखे जी इसको मोटा मोटे से ना शेप मैंने एक के मतलब फोर फाइव पीसीज ना कट करके तो इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छा इसको भी फ्राई कर लिया जल्दी से और यह कि इसको भी मैंने मैरिनेट किया था ठीक है फाइव टेन फा, मिनट मैरिनेट करके नमक सुरख मिर्च और टर्मिक पाउडर के साथ अच्छे से इसको मैरिनेट करके रख दिया थोड़ा सा एग लगा के तो ये अच्छे से ना ये फिर मतलब फ्लेवर भी इसके अंदर इन्स हो जाएगा और चला जाएगा जी जनाब गर्म मसाला टू स्पून डाला अच्छा इसमें यह देखे जाए खुश्क धनिये का फ्लेवर भी विथ फैरी इन्हेंसिंग बहुत मज़ा आता है और इनहेंस कर देता है तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया जी अब ये देखें जी सुरख मिर्च भी लेके आई फिर से निकाल के ना उसको भी मैंने शामिल कर लिया पटाटो इज वेरी यमी। अच्छा ये देखें जी अब मैंने ना शिफ्टिंग कर लिया स्टोव को इधर कर लिया मतलब अः ये जो मेरा बिरयानी का मसाला था ना इसको मैंने इधर शिफ्ट कर लिया और वो उधर अच्छा जी चलो जी वही करने अब भूनते अच्छे से ना इसका पानी सारा ही ड्राई हो जाए चलो जी एटलीस्ट तैयार हो गया सुरख मिर्ची क्योंकि कोई नहीं खाता मैं जो जिसको ना सुरख मिर्चों का तो ना वो खाती है तो खा लेती है अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी ना ना तो फिर असि अपने वास्ते ही हस्बैंड को ना आए ना टीज हो ना उनको मिर्ची लगे ओके जी ये देखें जी एक ही मैंने ना टू शिफ्टिंग में ये बड़ा सा बोल जिसमें मैंने फ्राई किया था ना उसी में ये राइस जो है वो डाल दिया वन के जी मैंने जो राइस थे ना वो बनाए थे अच्छा ये देखे नहीं मिल्क में मैंने कलर राइस शिफ्ट करके ना इसको इसमें कर दिया है हूं सही लावे दम इसमें जाएगा अनियन ये देखें और मेरे पास ना कोयला नहीं था लेकिन यह के खत्म हो गए हुए थे तो मैंने लिए भी नहीं तो वो अच्छा इसको 20-25 मिनट 20 मिनट तक मैंने दम स्लो फ्लेम में ना तवा नीचे रख के तो इसके ऊपर ना इसको स्लो फ्लेम में रख दिया था अब थोड़ी सी इसको कर लेते हैं लेरिंग शेरिंग और इसको करते हैं इस बिरयानी जो रेडी हो गई थी वो बहुत ही थी बड़ा मज़ा आया अच्छा जी काका जो है वो भी आ गया ऊपर और मेरे साथ खेल रहा था और हैप्पी था और बातें कर रहा था आप अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा दिल करे तो लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे अपना ख्याल रखे बाय अल्लाह हाफिज़